दोस्तों आप किसी की भी कॉल अपने फ़ोन पर सुन सकते हैं बिना ओटीपी के और बिना कुछ करे। दोस्तों मैं आपको ऐसे दो कोड बताऊंगा जिसके ज़रिए से आप किसी की भी कॉल अपने फ़ोन पर सुन सकते हैं। जैसे कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है वो किसी और से बात करती है और दोस्तों आपको पता नहीं चलती ना आपको बताती। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे जेन्युइन कोड बताऊँगा जिसके ज़रिए से आपको गर्लफ्रेंड को पता भी नहीं चलेगा कि मेरी कॉल कौन कौन सुन रहे है। और दोस्तों मैं ये कॉल हटाने का भी कोड बताऊँगा और लगाने का भी। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों करना क्या, आपको दो मिनट को अपनी गर्लफ्रेंड का मोबाइल ले लेना है और मोबाइल ले लेने के बाद आपको अपने मोबाइल उसके मोबाइल के डायल पैड ओपन में आ जाना है और ओपन में आ जाने के बाद आपको यहां पर डायल करना है ये कोड जो मैं कोड बता रहा हूं। दोस्तों इससे पहले अगर आप प्लीज़ चैनल पर ना आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों यहाँ पर आपको डायल करना है *401 और फिर से स्टार लगाने देना है और स्टार लगा देने के बाद आपको वो नंबर लगा देना है जिसकी कॉल फोर्डिंग सुनना चाहते हैं। मैं और नंबर लगा देता हूं दोस्तों और नंबर लगाने के बाद अब आपको करना क्या है, आपको अच लगा देना और जैसे ही अच लगा दोगे दोस्तों तो आपको डायल कर देना और जैसे ही डायल कर देते हो तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर बोल कर बताएगी कि आपकी कॉल फोर्डिंग कर दी गई है। यानी कि आपकी कॉल फोर्डिंग का मतलब दोस्तों ये है, जैसे बोलेगी कॉल फोर्डिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी की जिसका भी आपने नंबर डाला उसकी सारी कॉल आपके फ़ोन पर आएगी। और दोस्तों जैसे आप ये कर लेते हो तो अब आप पीछे आ जाना है और दोस्तों अब आपको करना क्या है, अब आपको एक कॉल को डीएक्टिवेट भी करना आना चाहिए यानी कि कॉल हटानी भी आनी चाहिए। यानी वो सारा ही फ़ोन आपके पास आएगा तो अब आपको वो भी कोड बताता हूँ जिससे डीएक्टिवेट करोगे आप हटाओगे यानी कि कॉल। तो आपको आ जाना है फिर से डायल पैड में और यहाँ पर *0 लगाने के बाद अब आपको 1 नहीं लगाना, आपको 2 लगाना और फिर से स्टार लगा देना है। स्टार लगाने के बाद अब आपको वही सेम टू सेम नंबर डाल देना है जिस नंबर के आपने कॉल फोर्डिंग की थी। और नंबर लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर एच नहीं लगाना, आपको स्टार लगाना है दोस्तों। और लगाने के बाद आपको डायल कर देना और यहाँ पर भी आपको कंप्यूटर बोल कर बताएगी कि आपकी कॉल फोर्डिंग हटा दी गई है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर करने के बाद दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।